झूठ बोला उन्होंने, बिल्कुल झूठ। इलेक्शन तो इमरान खान की मर्जी से ही होगा, क्यों आवाम की ताकत उसी के साथ है। उसी के साथ है। निहाल हाशमी साहब को एक पैगाम दें, बंदे पुत्र बन जाओ वरना आवाम नहीं छोड़ना। तो शेख रशीद साहब ने ठीक, बिल्कुल जिसकी बेटी नहीं बात मान सकती तो और किसने क्या बात मानी। क्या बात, कहते हैं शादी अगर उसकी मर्जी से नहीं हुई नहीं, तो इलेक्शन उसकी मर्जी से खाक होगा। निहाल हाशमी साहब क्यों ऐसा बयान दिया फिर उन्होंने? ये तो वही जान नहीं, क्यों नहीं चलेगी, आवाम की मर्जी से होगा, आवाम की मर्जी से इलेक्शन होगा। जो पाकिस्तान के हक में हो गया होगा इंशाल्लाह हम उसके साथ, उसके साथ है। बिल्कुल हम सब पाकिस्तानी उसके साथ है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की है। जो बोला शेख ने जवाब दिया वो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन बड़े अरसे दराज बाद निहाल हाशमी साहब बोले हैं। पहले तो हमने ड्राई वाटर ही सुना था, मेरे नौ निहाल मेरे नौ निहाल, अब निहाल हाशमी साहब बयान भी देते हैं। पर निहाल हाशमी साहब ने बयान बड़ा अजीब गरीब सा दिया है, कहते हैं कि नवाज शरीफ की मर्जी से इलेक्शन होगा ना कि इमरान खान की मर्जी से इलेक्शन होगा। यानी नवाज शरीफ चाहेंगे तो तब इलेक्शन होगा, कोई उसमें किसी बंदे की मर्जी नहीं चलेगी। जिस पर शेख रशीद साहब ने जो है ना, यानी उन्होंने शिकवा किया है, इन्होंने जवाब शिकवा में शेख रशीद साहब ने ये कहा है कि नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज की शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई, इलेक्शन क्या खाक होगा, ये कह रहे हैं शेख रशीद साहब। जी हाँ, क्यों जी शेख साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह ताडा दे शेखां दे नसवार का मुंह आ जा रहा है, की कह चलो ये भी बोल दो जी। आ कोई बात, इसमें कौन सी ऐसी बात है, बात नहीं। और सुनाएं ठीक ठाक? शुक्र अल्लाह, ऐसे ही रहते हैं हमेशा। बिल्कुल, यानी कोई गल नहीं करनी है। बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल ऐसे ही रहना है, बिल्कुल ऐसे ही। छोड़ दें, क्यों सहारा लेते हैं, लोगों को बेसहारा करके आज आप सारे ढूंढते फिर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? ताहिर नाम। ताहिर, ताहिर साहब क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं निहाल हाशमी साहब के जी नवाज शरीफ की मर्जी से इलेक्शन होगा, शेख साहब ने फिर जवाब ठीक दिया इनको कि मर्जी से तो बेटी मरियम की शादी ना हो सकी तो इलेक्शन कैसे होगा? बिल्कुल झूठ बोला उन्होंने, बिल्कुल झूठ। इलेक्शन तो इमरान खान की मर्जी से ही होगा, क्यों आवाम की ताकत उसी के साथ, उसी के साथ है। ये तो इम्पोर्टेड हुकूमत है, कभी भी जा सकती है किसी भी टाइम, किसी टाइम किसी इम्पोर्टेड हुकूमत है। सही गल, इम्पोर्टेड जर्सियां नहीं लग रही, लंडे दियां लग रही अभी। अच्छा अभी लंडा इम्पोर्टेड ही आंदा है नहीं? बिल्कुल यही बात है, सही है, बाहर से ही आता है वो लंडा। तो हमारे लीडर है इस टाइम इंपोर्टेड आए हुए हैं। बिल्कुल सही बात, सारे इंपोर्टेड। नहीं तो ये जो शेख साहब ने फिर बयान सही दिया जवाब उन्हें, बिल्कुल जबरदस्त दिया, जबरदस्त शेख साहब ने जवाब दिया, बिल्कुल जबरदस्त दिया। बारे क्या बात है, निहाल हाशमी साहब को एक पैगाम दें, बंदे पुत्र बन जाओ वरना आवाम नहीं छोड़ना। तो क्या बात है, छोड़ दो बगलों में से हाथ, किथे जानी है बगला, पीछे रख ले जा, कुछ नहीं रेडी की पीछे खड़ियां ना, मैं के नाचना जाऊं। अच्छा यानी रेडी नहीं करके फड़े है, रेडी नहीं फड़िया, आज मैं आपनु फड़े, मैं ना नाच जाऊं। अच्छा तुसी ना नाच जाओ, यानी तुसी अपने आप च नहीं रहंदे? बिल्कुल है, बिल्कुल सही, बाबा इधर आ गया, तुसी निकल गए विचों। क्या नाम है सर आपका? अली। अली, अरे वाह, पूरा मोहम्मद अली, अली अहमद, अली जहांगीर, अली जहांगीर, ते जहांगीर तरीन दे पुत्र हो? नहीं। अच्छा जहांगीर मेरा पुत्र। शेख रशीद साहब ने ठीक, बिल्कुल जिसकी बेटी नहीं बात मान सकती तो और किसने क्या बात मानी। आया आया आया, क्या बात, कहते हैं शादी अगर उसकी मर्जी से नहीं हुई नहीं, तो इलेक्शन उसकी मर्जी से खाक होगा। निहाल हाशमी साहब क्यों ऐसा बयान दिया फिर उन्होंने? ये तो वही जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह का करम, आप ठीक है? माशाल्लाह काफी जवान आदमी है, वेट लिफ्टिंग करते हैं आप? नहीं भाई, बॉडी शाडी तो बनी हुई है आपकी। बस क्या करें जी, ये अल्लाह की देन है। नहीं नहीं, कुछ लोगों की भी देन होती है क्या? अल्लाह यार इसे लेना लेने देना में कुछ भी नहीं है। अल्लाह यार अल्लाह ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜਾਨ, ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਇੰਜ ਦੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਭ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਏ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਕਹੋ ਹਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਜਾਨ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਬਾਈ ਜਾਨ। ਆ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ? ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਆਪਕਾ? ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਤੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਆ ਖਾਕ ਹੋਗਾ ਬਾਈ ਜਾਨ? ਇਹ ਇਨਕਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਚੋਰ ਹੈ, ਸਭ ਚੋਰ, ਸਭ ਚੋਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਸਭ ਚੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਬ ਇੱਕ ਆਤਾ ਤੋ ਹਮ ਕਹਤੇ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਵੋ ਆਤਾ ਫਿਰ ਹਮ ਕਹਤੇ ਵੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਥਾ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸੇ ਫਿਰ ਵੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਥਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੋ ਬਾਤੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਨਕਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜੀ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਹਾਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਕੋ ਐਸਾ ਕੋ ਬਿਆਨ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਆਵਾਮ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇ ਹੋਗਾ, ਆਵਾਮ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ੇਖ
रशीद साहब ने ठीक जवाब दे दिया ना, अभी आवाम का भी तो है ना। जाहिर बात है, आवाम का हक है। हाँ बिल्कुल सही बात है। सर नाम बताए अपना। मेरा नाम अमीर खान है। अमीर खान, फिर तो बड़े नोट हो गए ना ही अमीर खान रख रहा है, जिसके बंदे का नाम ही अमीर खान तो पैसे तो ना ही है बस। सिर्फ क्यों जिते अमीर हो नहीं रहे, चलो ना थे अमीर खान रख लिए। बिल्कुल सही है, मैं भी नवाब रखना चाह रहा अपना नाम। मैं तो कहना राखी लो तुम लोगों को हसाते हो, वैसे तुम दिलो ही नवाब हो। अरे यार थैंक यू, लव यू, लव यू। यही कुछ रह गया और क्या रह गया। शेख रशीद साहब की तरफ से कि जी उनकी बेटी की शादी उनकी मर्जी से नहीं हुई तो इलेक्शन का खाक होगा। बात तो शेख साहब की, शेख साहब खुद ही बड़े मस्करी है, मस्कर उनकी बातें भी मस्करी है। नहीं 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 कोई बात नहीं, नून लीग और हम हक सच के साथ है, हक सच के साथ है, हम पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। बहुत अच्छी बात की, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान के हक में होगा इंशाल्लाह हम उसके साथ उसके है। साथ है बिल्कुल, हम सब पाकिस्तानी उसके साथ है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है और ठीक ठाक है? हाँ क्या सा गुजर रहे है? आला का शोकार है, आजकल पले से कार रहा है या लोगों को लूट रहा है? बस शुक्र है गुजारा हो। ये क्या कार रहा है? ये किधर से निकाले? यानी उतार दिए, गर्मी लग रहा था। ठीक है, पटे के आ गए, क्या पता लगता नीचे कुछ पाया या नहीं पाया। हाँ कहते हैं नवाज शरीफ की मर्जी से इलेक्शन होएगा, इमरान खान की मर्जी से नहीं होएगा। और शेख रशीद कह रहे हैं कि उसकी बेटी का शादी उसकी मर्जी से नहीं हुआ है, तो इलेक्शन कहाँ से होएगा? सही बोला है ना शेख रशीद ने? शेख रशीद ने सही बोला, बिल्कुल ठीक बोला है। सही बोला है। तो निहाल हाशमी को कोई पैगाम दो, जो बोला है शेख ने जवाब दिया वो ठीक है ना? शेख ने जो जवाब दे दिया बिल्कुल ठीक है, चलो चिड़ी उड़ा लो पास। यार बड़ा प्यार चेहरा है, कोई चेहरा तो मैं कह तेरे जिया सोना मैं दुनिया तो लगता कोई ना। पछता भी नहीं आती यार। हाँ कह रहे पछता इस जगह ले इधर आई सर। आज भी एक शेर सुनाए जरा। मुझे शेर नहीं आता। शेर नहीं आता, बिल्कुल सही है। तुम तो सह भी बड़ी मुश्किल ना लाता। बहुत अच्छे बहरहाल आपका खिलता हुआ चेहरा और बहुत ही कमाल चेहरा आपका। नाज़रीन हमारा भी यही काम होता है कि चेहरे खिल जाएं, लोगों के चेहरे खिल जाएं। हमारा काम होता है आपको हंसाना, आपके चेहरे के आंसू चुराना। हंसते रहे मुस्कराते रहे, हंसी वाली जिंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आजारी मत कीजिएगा। इज्जतें इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है, बिल्कुल वही कर सकता है जो करते हैं अल्लाह ही करते हैं। बेशक मस्करिया चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है, क्योंकि ससुर आपके साथ साथ ही है। वेलकम सर आला।